तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो गैस आज का वाला वीडियो मेरे पास यूट्यूब पे थोड़े पास न्यूज होते हो, एक एक करके सारे न्यूज को देखते हैं। और गैस आज मेरी तबीयत खराब है, इसके वजह से आपको मेरी आवाज थोड़ी खराब भी आ सकती है या कल या परसों वीडियो भी नहीं आ सकती, इसके लिए सॉरी गाइस। तो गैस मैंने कल के वाले वीडियो में एक न्यूज बताई थी ट्रिगर्ड इंसान के बारे में, उसमें मैंने कहा था ट्रिगर्ड इंसान के लाइव स्ट्रीम पर एक स्ट्राइक आई है, वो उनके लाइव स्ट्रीम पर ना आके उनके गोवा वाले ब्लॉग पर आई थी। वीडियो डालने के बाद मुझे पता चला की वो स्ट्राइक उनके गोवा वाले ब्लॉग पर आई थी। तो गैस सॉरी फॉर दिस रॉन्ग न्यूज। तो गैस बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो गैस मिस्टर बीस्ट की जो 100 मिलियन की वीडियो आने वाली थी वो कल उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है और गाइस उस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं सौरव जोशी के बारे में। आप सभी पता है सौरव जोशी जयपुर को घूमने गए और जयपुर में जाने के बाद वो एक फोर्ट में गए। फोर्ट में जाने के बाद उनको किसी ने बताया था कि यहाँ आप ड्रोन उड़ा सकते हो, लेकिन जब उन्होंने ड्रोन उड़ाने लगे थे तब उनको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। और गाइस उसके बाद क्या हुआ आइए तो आपको मैं वही क्लिप दिखाता हूँ। ड्रोन यहाँ पे अलाउड नहीं था, मेरे को किसी ने बोला ड्रोन उड़ा सकते हैं, पुलिस ने ड्रोन ले लिया। आप भी खड़े थे ऊपर, रोका ही नहीं उड़ा जब मैंने उड़ाया। मैं तो नीचे से गया हूँ, मेरे पास नहीं, ऊपर ऊपर पुलिस वाले खड़े थे। देखो अंदर सिक्योरिटी चेक भी हुआ तब उन्होंने मना नहीं किया, तो गाइस कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया। वो मुझे पहचान गए। तो गाइस अब बात करते हैं मिटपैट के बारे में। तो गाइस मिटपैट अपने Q&A वीडियो की अनाउंसमेंट किया अपने YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट करके, और उस कम्युनिटी पोस्ट में आप उर्मिला और मिटपैट का फोटो भी देख सकते हो। मतलब इस वीडियो में वो अपने रिलेशनशिप के बारे में जरूर बताएंगे, तो फिर इंतजार है उनके Q&A वीडियो का। और इस Q&A वीडियो से याद है आपने अभी तक मेरा Q&A वीडियो नहीं देखा था, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो गाइस अब बात करें ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। आप सभी को पता है ट्रिगर्ड इंसान की एक न्यू वीडियो आने वाली थी, वो भी स्पेशल। उनकी वो स्पेशल वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो में एक स्पेशल है कि उन्होंने एक हाउस परचेज कर लिया है, तो फिर आइए मैं आपको उसी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। बहुत बड़ा है, सो दिस इज द रूम जो मेरा बेडरूम होने वाला है, एंड इस मैं सबसे इंपॉर्टेंट रूम बता रहा था तुमको मेरे लिए, वो है ये मास स्टूडियो बेडरूम मेरे दोनों। दिस इज माई गेमिंग रूम। सो बेसिकली बस अभिषेक और मेरे रूम में डिफरेंस इतना है कि इसमें एक डिविजन डली हुई है एंड अभिषेक का पूरा एक रूम है, लेकिन मेरे पास तीन रूम है, सो आई हैव टेक्निकली मोर स्पेस एंड आई हैव बालकनी एंड आई हैव दिस इडियट विद मी। तो फिर गाइस आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।